एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज वर्षा और मैं अपने इस चैनल पर डीआईवाईस एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने वेस्ट फैब्रिक से कुछ डीआईवाई क्रिएट किए थे और आप सबके साथ शेयर भी किए थे, जिसे आप सबने बहुत सारा प्यार दिया। तो उसी को देखते हुए आज मैं फिर से कुछ वेस्ट फैब्रिक लेकर आ गई हूँ। इससे मैं आज फिर से कुछ न्यू डीआईवाईस क्रिएट करूँगी। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैं इस तरह के एक स्वीट बॉक्स को यूज करने वाली हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं एक लेस यूज करूंगी। ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी पर लगी भी थी और वो इस साड़ी को पहन पहन कर बोर भी हो चुकी थी और इस लेस के कारण उन्हें ये काफी हैवी भी लग रही थी। तो उन्होंने इस लेस को निकाल दिया और मैं उनसे ये ले आई। सोचा कभी ना कभी इसे यूज कर ही लूंगी, तो आज इसी लेस को यूज करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने एक वेस्ट फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले जितना फैब्रिक हमें चाहिए उसे मैंने कट करके प्रेस कर लिया है। देन ग्लू गन की हेल्प से बॉक्स के ऊपर का जो ढक्कन है उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी क्लोथ को पेस्ट कर सकते हैं। क्लोथ पेस्ट कर लिया है, अब ढक्कन के किनारों पर हम लेस को ग्लू गन से अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेस के एक हिस्से को पेस्ट कर रही हूँ, बाकी का जो हिस्सा बच गया है उसे हम नीचे की बॉक्स पर यूज करने वाले हैं। मेरे पास जो लेस थी वो दो लेस आपस में अटैच करके एक बड़ी लेस बनाई गई थी। तो मैंने ऊपर की लेस को तो ऊपर के ढक्कन पर लगा दिया है और नीचे की जो लेस रह गई थी इसे हम बॉक्स के नीचे के हिस्से पर पेस्ट कर रहे हैं। आपके पास लेस ना हो तो आप नॉर्मल फैब्रिक भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा DIY बैंगल बॉक्स हो जाता है रेडी। अब इसमें आप अपने बैंगल्स या किसी और चीज को भी रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। देखिए, हमने वेस्ट फैब्रिक और कुछ वेस्ट पड़ी लेस का यूज करके कितना प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना लिया है। तो है ना ये काफी कमाल का आइडिया। नेक्स्ट DIY के लिए मैं अपने ब्लाउज पीस से बचे हुए क्लोथ को यूज करने वाली हूँ। ये थोड़ा साइज में बड़ा है। अगर आपके पास भी इस साइज में कोई क्लोथ अवेलेबल है तो आप उससे एक छोटा कुशन कवर भी बना सकते हैं, पर मैं इस क्लोथ से कुछ नया ही क्रिएट करने वाली हूँ। आप मेरे हाथों में एक ओल्ड ग्लास केस देख रहे हैं, तो आज इसी को मैं इस क्लोथ से कुछ नया क्रिएट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इस क्लोथ से प्लेन फैब्रिक को कट करके अलग कर लूंगी। अब इस केस की बॉर्डर पर हम प्लेन फैब्रिक को पेस्ट करेंगे। इसे पेस्ट करने के लिए आप फेविबॉन्ड, ग्लू गन या फेविक्विक का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की पार्ट पर इस प्लेन फैब्रिक को लगा लेंगे। तो इस प्लेन फैब्रिक को मैंने दो भाग में कट कर लिया है, देन ऊपर और नीचे पेस्ट कर लिया है। आप चाहें तो पूरे इस केस को प्लेन फैब्रिक से ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक वेलवेट का है तो ये प्लेन भी काफी अच्छा लग रहा है। फैब्रिक जो एक्स्ट्रा बच गया है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम सीक्वेंस वाला फैब्रिक लेंगे, जिसे इसी केज की शेप पे हमें कट कर लेना है। तो हमें दोनों साइड सेम मेजरमेंट रख के इसे कट करना है। फिर नीचे की साइड पर भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले प्लेन फैब्रिक को अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम सीक्वेंस वाले फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। अब
अभी तक आप सभी समझ ही गए होंगे कि हम एक क्लच बना रहे हैं। आजकल इस तरह के क्लच काफी ट्रेंड में है और इसे तो हमने मार्केट से खरीदने के बजाय घर में ही बनाकर रेडी कर लिया है, वो भी वेस्ट बचे हुए फैब्रिक से। तो है ना, ये भी काफी कमाल का आइडिया। अब प्लेन फैब्रिक लेकर हमें बॉक्स के अंदर के साइड पर भी पेस्ट कर देना है ताकि जब हम इसे ओपन करें और इसमें कुछ चीजें रखी हों तो वो गिरे ना। अब इसके आगे के साइड पर पेस्ट करने के लिए मैं इस तरह के एक पर्ल बीट को ले रही हूँ। ये मेरी इयररिंग का है तो मैं इसे ही पेस्ट कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर किसी और चीज को भी पेस्ट कर सकते हैं, यानी ज्वेलरी का कोई भी पार्ट जो आपके पास वेस्ट पड़ा हो आप उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा क्लच रेडी है। लास्ट DIY के लिए मैं इस तरह के बॉक्स को यूज करने वाली हूँ। आप इसकी जगह पर किसी मिठाई के बॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं इस तरह का बचा हुआ फैब्रिक यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक पर आयरन कर लिया है। अब इस फैब्रिक को बॉक्स के साइज का रखकर हमें कट कर लेना है। इसे पेस्ट करने के लिए आप फैब्रिक ग्लू या ग्लू गन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक ग्लू को नीचे की साइड पर अप्लाई कर लूंगी, देन मैं ग्लू गन की हेल्प से इस क्लॉथ को पेस्ट कर दूंगी। अंदर की साइड तो हमने क्लोथ को पेस्ट कर लिया है, अब बाहर के साइड जो किनारे रह गए हैं उस पर मैं इस तरह की लेस को अप्लाई कर रही हूँ। ये वही लेस है जिसे हमने अपने फर्स्ट DIY में यूज किया है। आप इस लेस की जगह पर जूट रोप भी अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम वेस्ट फैब्रिक को ही यूज करने वाले हैं तो ये लेस भी मैंने वेस्ट फैब्रिक से ही निकाला है, तो इसलिए इसे मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो सिंपली इस लेस को मैंने ग्लू गन से चारों तरफ पेस्ट कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा ये लास्ट DIY भी हो जाता है कंप्लीट। तो ये रहा हमारे लास्ट DIY का फाइनल लुक। आप इसे अपने किचन काउंटर पर या फिर अपने डाइनिंग टेबल पर इस तरह से यूज कर सकते हैं। मार्केट से महंगी ट्रेस खरीदने से तो अच्छा है ना कि उसे हम घर पर ही वेस्ट मटेरियल से बनाकर रेडी कर लें। आई होप आप सभी को आज के ये आइडियाज पसंद आए हों। अगर आप सभी को आज के DIYs पसंद आए हों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज आपसे शेयर करूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।